हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। भाई भाई, आज हम करने वाले हैं फोर्ड की सर्विस। फोर्ड फिगो गाड़ी हमारे पास आई है, गाड़ी की करनी है मेजर सर्विस। दिखाते हैं आपको गाड़ी में क्या क्या काम करेंगे। गाड़ी के अंदर से जो इंजन ऑयल निकला भाई, बहुत ही गंदा इंजन ऑयल था। तो करते हैं गाड़ी का काम शुरू और दिखाते हैं पूरा वीडियो फोर्ड फिगो का। यह है भाई फोर्ड की फोर्ड फिगो गाड़ी जो भी हमारे पास आई है। इस गाड़ी की करेंगे सर्विस। गाड़ी हमने लिफ्ट के ऊपर उठा लिया है, गाड़ी का काम शुरू कर दिया है। एक बार आपको गाड़ी का अंदर का इंटीरियर दिखाता हूँ। इस तरह का कुछ फोर्ड फिगो का इंटीरियर आता था भाई, चेक कर सकते हैं आप। और कितने किलोमीटर गाड़ी चली हुई है वो भी दिखाते हैं आपको। 147,637 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, ये देख सकते हैं आप। 147,637 किलोमीटर भाई। अभी गाड़ी का जो है ना एयर फिल्टर बाहर निकाल लेंगे और दिखाते हैं आपको एयर फिल्टर की कंडीशन कैसी है। फोर्ड फिगो गाड़ी है, गाड़ी चली हुई है 147,000 किलोमीटर। एयर फिल्टर की जो कंडीशन है वो दिखाते हैं अभी आपको। दिखाना भी ज़मीन पे, मारना 3-4 बार भाई। बस 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 बस, इस तरह से कंडीशन है कुछ एयर फिल्टर की। एक बार आपको थोड़ा पलट के दिखा देता हूँ। ये है इसका एयर फिल्टर, देखो आप। और जब नया गाड़ी में डालेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। एक बार इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, जो भी इसके अंदर डस्ट है सारी वो निकाल लेंगे। देखो ये है गाड़ी का पुराना ऑयल फिल्टर, ये है इसकी कंडीशन, चेक करो। अभी गाड़ी को एक बार ऊपर उठाते हैं और गाड़ी का जो पुराना इंजन ऑयल है ना वो निकालते हैं, उसकी कंडीशन आपको दिखाएंगे कैसी कंडीशन है। अभी जो मेन बात है भाई वो आप देखो, गाड़ी का इंजन ऑयल चेक करो, कितना गाढ़ा इंजन ऑयल, कितना गंदा इंजन ऑयल गाड़ी के अंदर से निकला है। ऑयल का बिल्कुल ग्रीस बन चुका है भाई, इतना गाढ़ापन इसके अंदर आ चुका है। काफ़ी गंदा ऑयल इस गाड़ी से निकला है फोर्ड फिगो से। और गाड़ी की पक्का जो सर्विस है वो थोड़ी लेट हुई है, क्योंकि कस्टमर ने गाड़ी की सर्विस जो है, मेरे को लगता है 2-4 हज़ार किलोमीटर फालतू चला के ही कस्टमर गाड़ी की सर्विस करा रहा है पक्का, इसीलिए इतना गंदा ऑयल हुआ गाड़ी का। भाई अभी का क्या सीन है, गाड़ी में जो नया सामान डालेंगे ना वो दिखाता हूँ आपको। ये है गाड़ी का एयर फिल्टर जो गाड़ी के अंदर नया हम डालेंगे, इसकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं भाई। यह है गाड़ी में जो ऑयल फिल्टर डालेंगे स्क्रीन वाश, जो वाइपर की बोतल में डालेगा पानी में। यह है गाड़ी का इंजन ऑयल 15W40, ये भी आप चेक कर सकते हैं। फोर्ड की फिगो गाड़ी है भाई, इसमें यह सारा सामान हम डालने वाले हैं। बाकी कूलेंट भी डलेगा गाड़ी में 2 लीटर। अभी जो नया एयर फिल्टर गाड़ी में डालेंगे ना वो भी आपको दिखाते हैं। देखो ये है नया एयर फिल्टर, इसकी कंडीशन आप चेक करो भाई, देखो कितना साफ कितना क्लीन है। ये इसके अंदर लगाएंगे, यहाँ पे भी साथ में ना अल्टो 800 का इंजन का काम चला हुआ है। इंजन पूरा ही गाड़ी के अंदर से हमने बाहर निकाल रखा है, ये देखो। ये है अल्टो 800 गाड़ी मारुति की, इसके इंजन में दिक्कत थी तो पूरा इंजन इसका ओवरहाल किया है बाहर निकाल के, गाड़ी से बिल्कुल बाहर है। अभी गाड़ी में रखेंगे इसको सर्विस के बाद, जैसे ही फिगो की सर्विस होती है तो इसके बाद इसको गाड़ी के अंदर फिटिंग करेंगे। इस तरह का कुछ काम चला हुआ है वर्कशॉप में। भाई अभी आपको दिखाते हैं गाड़ी में इंजन ऑयल डालेंगे और गाड़ी में जो ऑयल फिल्टर है गाड़ी का वो डालेंगे। करते हैं गाड़ी का काम, अभी गियर ऑयल गाड़ी के अंदर डाल रहे हैं। भाई अभी जो गाड़ी के अंदर हम ऑयल फिल्टर डालेंगे ना वो है ये, देखो सामने। इसकी कंडीशन आप चेक करो, और जो पुराना निकला था मैंने उसकी भी कंडीशन आपको दिखाई थी वो कैसा था। तो अभी पहले ऑयल फिल्टर गाड़ी के अंदर डालेंगे, उसके बाद डालेंगे गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल। इंजन ऑयल आप चेक कर सकते हैं, इंजन ऑयल गाड़ी में डाल रहे हैं 15W40 ग्रेड बुर्ज कंपनी का जो इंजन ऑयल है भाई वो इसके अंदर डाल रहे हैं। और इसकी क्वालिटी आपको दिखाएंगे, अभी क्वालिटी भी आप इसकी चेक करना कैसी है। बहुत ही प्यारा इंजन ऑयल है, तो 10,000 किलोमीटर तक बहुत ही बढ़िया चलता है भाई। अभी जो गाड़ी के अंदर से इंजन ऑयल निकला था उसकी मैंने कंडीशन आपको दिखाई थी, तो काफ़ी ज़्यादा चल चुका था इंजन ऑयल। और अभी जो हम नया इंजन ऑयल गाड़ी के अंदर डाल रहे हैं ना उसकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। देखो
एक बार भाई पूरा सर्विस का काम जैसे ही गाड़ी का हो जाएगा उसके बाद पूरे इंजन को अच्छी तरह से वाश कराएंगे, ताकि जितना भी गर्दा मिट्टी इंजन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, ये कपड़े से भी साफ़ नहीं हो रहा, क्योंकि ये यहाँ पर ऑयल वगैरह गिरा हुआ है, उसके बाद ये मिट्टी ऊपर चिपकी हुई है। इसको अच्छी तरह से क्लीन कराएंगे, सारे को वॉशिंग में सारे को अच्छी तरह क्लीन करा देंगे। शैम्पू का कपड़ा इसके ऊपर से लगेगा तो अच्छी तरह क्लीन हो जाएगा सारा। अभी हम इसके अंदर डालेंगे कूलेंट, 2 लीटर कूलेंट डालेंगे। कूलेंट जो इसके अंदर से निकला था वही बिल्कुल पानी था। पानी की वजह से एक्चुअली क्या होता है, इंजन के अंदर जंग लगना शुरू हो जाता है, जो जितने भी पानी के वाटर के जितने भी पाइपलाइन इसके अंदर होती है ना, वो सारी लीक होना शुरू हो जाएगी। उसके चक्कर में इसके अंदर कूलेंट डाला जाता है, ताकि कहीं भी इंजन के अंदर जंग ना लगे। जंग से सुरक्षा करता है हमारे इंजन की, कूलेंट बहुत ज़रूरी होता है भाई गाड़ी में। यहाँ पे दूसरी साइड में काम चला हुआ है व्हील बैलेंसिंग का, ये भी आपको दिखाते हैं। एक टायर का यहाँ पे व्हील बैलेंस कर दिया है, ये वेट लगाया देखो सामने, और अभी दूसरे टायर का जो है व्हील बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो भाई, अभी मशीन बताएगी कितना वेट इस टायर के ऊपर लगेगा। 15-15 ग्राम वेट लगेगा टायर के दोनों साइड में। तो अभी ये भी प्रोसेस पूरा करते हैं, उसके बाद गाड़ी की करेंगे स्लिपर पिन ग्रीस। गाड़ी की जब भी मेजर सर्विस करते हैं ना, फोर्ड फिगो गाड़ी की मेजर सर्विस होती है 20,000 किलोमीटर पे, 10,000 पे सिंपल, 20,000 पे मेजर। तो मेजर सर्विस में क्या क्या काम होता है गाड़ी का, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, डीजल फिल्टर, गाड़ी का कूलेंट, गाड़ी का गेयर ऑयल कंडीशनेबल होता है वो चेक होगा कि ख़राब है नहीं, इसका चेंज कर दिया हमने। गेयर ऑयल इसमें कम भी था भाई, थोड़ा सा वो निकाल दिया, बाकी इसमें नया गेयर ऑयल डाल दिया, और कूलेंट, इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ इसका चेंज कर दिया। दिखाएंगे आपको अभी गाड़ी की क्लिपर पिन है और डिस्पैड वगैरह ब्रेक हैं जो, वो चेक करेंगे इसके कि उसकी कंडीशन कैसी है, वो भी सारा कुछ आपको बताएंगे क्या गाड़ी में डलेगा क्या नहीं डलेगा। अभी डाल रहे हैं भाई गाड़ी के अंदर विंड स्क्रीन क्लीनर। 50 ml का पाउच है भाई, कोई 30 ml का आता है, कोई 50 ml का आता है, यहाँ पर डालेंगे और इसमें बाकी पानी डालेंगे, पानी डाल के इसको पूरा कर देंगे। भाई अभी इस गाड़ी के वाइपर की कंडीशन दिखाता हूँ आपको, ये देखो वाइपर ब्लेड भी फटे हुए हैं, वाइपर ब्लेड भी इस गाड़ी के चेंज करने पड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल फटा पड़ा है ब्लेड। भाई गाड़ी के अंदर जो नया डीजल फिल्टर डालेंगे ना, वो आपको दिखाता हूँ, देखो ये है नया डीजल फिल्टर जो हम गाड़ी के अंदर डालेंगे। और अभी गाड़ी की फिटिंग खोलनी शुरू कर दी है, यहाँ से सारी फिटिंग खुलेगी। यहाँ पर है गाड़ी का ये पुराना डीजल फिल्टर, ये देखो आप ये निकाल लेंगे बाहर, ये सारी फिटिंग खुलेगी, इसके बाद डीजल फिल्टर बाहर निकलेगा और इसको चेंज करेंगे। ये देखो भाई, ये पूरी एयर फिल्टर की असेंबली है जो बाहर निकालती पड़ती है, जब डीजल फिल्टर गाड़ी का चेंज करेंगे ना फोर्ड फिगो का। अभी आपको ओपन सारा जो डीजल फिल्टर है बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा होगा, ये है डीजल फिल्टर, इसको बाहर निकाल लेंगे इसके अंदर से, और नया जो डीजल फिल्टर है वो डालेंगे। वो भी एक बार मैंने आपको दिखा दिया, दोबारा से दिखाऊंगा आपको नया डीजल फिल्टर जब गाड़ी के अंदर डालेंगे। इस तरह से कुछ सर्विस होती है गाड़ी की। और यहाँ पर क्लिपर पिन है गाड़ी की, वो खोल रहे हैं गाड़ी के, डिस्पैड खोल के सफाई करेंगे उनकी, और जो क्लिपर पिन है उनको ग्रीस करेंगे। भाई डिस्पैड आप चेक करो, डिस्पैड जो है गाड़ी की वो कुछ इस तरह से है। अभी इस पर रेगमार से इसकी सफाई करेंगे और दोबारा से गाड़ी के अंदर इसको फिट कर देंगे। भाई डीजल फिल्टर चेंज करने का जो मेन जो कारण होता है ना, वो डीजल की सप्लाई से जो भी कचरा इंजन में आता है वो सारा डीजल फिल्टर रोक लेता है, और डीजल फिल्टर उससे चोक हो जाता है, और क्या होता है गाड़ी को प्रॉपर जो डीजल है वो मिलना बंद हो जाएगा, जिससे गाड़ी की माइलेज भी टूटेगी और गाड़ी की जो है पिकअप भी डाउन होगी। तो इस सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हर 20,000 किलोमीटर के बाद गाड़ी का जो है डीजल फिल्टर को चेंज करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं गाड़ी का। तो ये है इसके साथ जो हम नया डालेंगे, ये भी बंद का बंद आता है, ऐसे ही गाड़ी के अंदर डल जाएगा, ये नया है ये पुराना, बस ये फ़र्क है इसके अंदर। भाई अभी ए सी फिल्टर दिखाते हैं फोर्ड फिगो का आपको, कंडीशन कैसी है इसकी, और ये भी चेंज करना पड़ेगा, नया ए सी फिल्टर डालेंगे इसके अंदर। और ये है गाड़ी का नया एसी फिल्टर जो अभी हम गाड़ी के अंदर डालेंगे, इतना ज़्यादा फ़र्क है देखो फोर्ड फिगो के एसी फिल्टर के अंदर, तो अभी चेंज करो इसको डालो। गाड़ी का सारा काम हमने कर दिया कंप्लीट, और अभी मैं आपको गाड़ी का बिल बताता हूँ कितना बिल बना। गाड़ी का बिल बना 7,300 रुपये, 7,300 रुपये गाड़ी का बिल बना है, जिसमें गाड़ी की मेजर सर्विस हमने की है, सामान जो भी डाला है सारा कुछ आपने देखा है गाड़ी में हमने क्या क्या डाला है। तो इस तरह से कुछ गाड़ी का काम है भाई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बने रहना नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।